अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकान या जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए डीडीए की ओर से 25 कैंप लगाए जा चुके हैं और 18 दिसंबर तक 25 और कैंप लगाए जाएंगे। इन सभी 50 कैंप में जो रजिस्ट्री कराने वाले लोग हैं उनको असुविधा न हो, इसलिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया है कि उनका हेल्प करें। हेल्पिंग बीजेपी कार्यकर्ता, हेल्पिंग बीजेपी वर्कर्स विल बी देयर ऑन ऑल कैंप्स, और उनसे जो भी मुमकिन सहायता होगी वो वहां के लोग उनसे मांग सकते हैं। ये 18, 19 और 20 दिसंबर को हमारे 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में जो अब नियमित हो चुकी हैं, उनमें उनको जन जागरण करने के लिए भी बीजेपी बहुत सारे उपाय कर रही है। जो आपकी जानकारी में रहे, हम 350 नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति इस होके पीछे न रह जाए, और उन नुक्कड़ सभाओं में भी हमारे कार्यकर्ता उनकी सहायता के लिए रहेंगे। 17 दिसंबर को दिल्ली भाजपा का युवा मोर्चा 70 विधानसभाओं में 70 मोटरसाइकिल रैली करेगा, लोगों को जन जागरण करने के लिए कि आपकी कॉलोनी मालिकाना हक पा चुकी है और आप इकट्ठे जिसको धन्यवाद देना हो मोदी जी को धन्यवाद देने 22 दिसंबर को रामलीला मैदान आ सकता है।